दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है भारत में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू। चीन से लाए गए मॉन्क फ्रूट की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खेती शुरू की जा रही है। इसे पालमपुर स्थित काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी यानी CSIR IHBT कुल्लू द्वारा हिमाचल प्रदेश में फील्ड ट्रायल के लिए पेश किया गया था। यह फील्ड ट्रायल CSIR IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद शुरू हुआ है। इस नई फसल से होने वाला आर्थिक लाभ 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच होने का अनुमान है। रायसन गांव के एक किसान के खेत में परीक्षण के लिए फलों के 50 पौधे लगाए गए और किसान के साथ मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। मॉन्क फ्रूट अपने गुड़ों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। यह एक 12 मासी फल है। इसका जीवन काल 4 से 5 साल के बीच होता है। इसके अंकुरण के 8 से 9 महीने के बाद इसमें फल आना शुरू होता है। इसका नाम बौद्ध भिक्षुओं से लिया गया है, उन्होंने इस फल का इस्तेमाल किया था। इसके बीच अंकुरण दर धीमी और कम होती है। इस प्रकार अंकुरण दर को बढ़ाने और अंकुरण समय को कम करने के लिए नई बीज अंकुरण तकनीक विकसित की गई है।